बारा क्षेत्र के अंतर्गत जसरा ब्लॉक में वीडियो और वहां के सभी अधिकारी कार्यालय के टाइम से मिले नदारद। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ की टीम कोऑर्डिनेटर के नेतृत्व में जसरा ब्लॉक में पहुंची। वहां पर समय हो रहा था सुबह के 10 बज रहे थे। वहां पर सभी अधिकारी मिले नदारद, जो कि आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और इन सभी अधिकारियों को किसका संरक्षण प्राप्त है जो इनकी मनमानी देखने को मिली। योगी राज सरकार में इतनी कड़ाई होने के बावजूद भी यह देखने को मिला, यह आश्चर्यजनक है। और वहीं बगल में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी है। जब वहां पर रिपोर्टर पहुंचे तो वहां पर मौजूद एक भी मरीज ने क्या बताया जो आप इस चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। उसने एक नर्स पर 5,000 लेने का आरोप भी लगाया। तभी वहां पर एक महिला कर्मचारी द्वारा अपशब्द भाषाओं का प्रयोग किया गया। जो महिला कर्मचारी मीडिया वालों से ऐसे बात कर सकती है, तो वह आम आदमियों से कैसे बात करती होगी। ऐसे सभी जसरा ब्लॉक के और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सभी भ्रष्ट कर्मचारियों पर कब होगी जांच और इन पर कब लगेगा अंकुश, यह तो जांच के बाद पता चलेगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज टीम में मौजूद रहे कोऑर्डिनेटर विनय कुमार साहू, ब्यूरो रोहिणी कुमार, रिपोर्टर शैलेश कुमार द्विवेदी, रिपोर्टर दिवाकर पाल, रिपोर्टर आशीष के साथ बारा ब्यूरो अतुल कुमार त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। मैं बारा ब्यूरो अतुल कुमार त्रिपाठी, जो कि मैं आज ब्लॉक जसरा में आया हुआ हूँ। हमारे टीम में मौजूद हैं इस समय शैलेश कुमार और दिवाकर पाल जी। आइए मैं यहाँ के अधिकारियों के, आज अभी समय तो 10 बज चुका है, अभी तक कोई आए हुए नहीं है, यहाँ के कुछ जो लोग हैं उनसे मैं आपको रूबरू कराता हूँ कि इनके अधिकारियों के बारे में लोग क्या कहना चाहते हैं, कि उनकी ऐसी ही घोर लापरवाही चल रही है जो उसके विषय में मैं आप उनसे रूबरू करा रहे हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम फेदी लाइट वाला है। फेदी लाल, हाँ। लाइट वाले हैं, हाँ, प्रजापति। तो क्या कहना चाहें आप लोग इनके विषय में? 10 बज चुका, अभी कोई अधिकारी यहाँ पर कार्यालय में मौजूद नहीं है। इनका क्या इसके से इनके विषय में आप क्या कहेंगे? एक अधिकारी आया, उसके बाद अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा। अभी कोई दिखाई नहीं दे रहा है? ऐसे इन लोगों का रोज आना है कि ऐसे आज ही पहली बार कर रहे हैं कि ऐसे इनको हमेशा चल रहा है? हम तो दो तीन दिन से आ रहे हैं इधर काम में, हम देख रहे हैं तब कोई नहीं आता। ऐसे ही 10 बज जाता है टाइम, अभी तक कोई नहीं आएगा? अभी अभी आया, यही गाड़ी थी। अच्छा, क्या नाम है इनका? देखिए आप सब देख रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं कि ऐसे इनको आज मैं 3 दिन तक यहाँ पे काम कर रहा हूँ और यहाँ पर कोई लोग नहीं उपस्थित होते हैं, ऐसे इनके रोज की रवैया है। मैं 12 ब्यूरो तुम्हारा पार्टी की स्पेशल रिपोर्ट। भाइयों देखिए, आपको आज हम प्रयागराज नगरी की जो 12 क्षेत्र पड़ता है, तहसील 12 लगता है, वहाँ के आज मैं ब्लॉक जसरा में आया हुआ हूँ। हमारी टीम प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज, मैं 12 ब्यूरो अतुल कुमार त्रिपाठी, आपको आज हम सब बताते हैं कि यहाँ की अधिकारियों की कितनी चल रही है मनमानी। कि आप सब देख सकते हैं, मैं इस समय यहाँ पर जो कि डीडीओ साहब हैं, यहाँ पर मैं उनके कार्यालय में उपस्थित हूँ। समय 10 बज चुका है, आप सब देख सकते हैं अभी तक वो यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। कहना यह है कि हमारी योगी राज सरकार जो है वो कितना अधिकारियों के टाइम का कितना समय क्या है उनको खुद नहीं पता है कि अभी टाइम 10 बज चुका है, अभी तक वो नहीं आए हैं। इनको किसका संरक्षण प्राप्त है जो अभी तक ये नहीं यहाँ पर उपस्थित हो पाए हैं, ये तो जांच का विषय है। अब ऊपर के अधिकारी ही इसको बता सकते हैं कि ये क्यों अपनी इनकी मनमानी चल रही है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई होता है कि नहीं होता, ये तो जांच के वही विषय है। मैं 12 ब्यूरो अतुल कुमार त्रिपाठी अपने रिपोर्टर शैलेश कुमार और दिवाकर पाल जी के साथ अतुल कुमार त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट। आपका क्या चीज, कहाँ से आई हो? कौन से गाँव? गोबरा। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर कितना पैसा लिया है आपसे? दीदी मैं, मतलब हम तो नहीं थे, दीदी कितने लिए? क्या नाम है आपका? मालती जी। कौन गाँव है? 5,000 लिए हैं? कौन किस बात के लिए लिए हैं? ऑपरेशन के लिए। किस चीज का ऑपरेशन हुआ है? अच्छा, डिलीवरी हुई है। डिलीवरी का 5,000 किन्होंने पैसा लिया है? हाँ,
इतने लोग कैसे हैं? मैडम मैं प्रेस हूँ, आप मैडम आप ही मैडम आपको हम लोग सब प्रेस हैं। ये अभी ऑपरेशन हुआ इनका, इनसे 5,000 रुपए लिया गया है, ऐसा क्यों? ये तो सुविधा फ्री मिल रही है। मेरी बात सुनिए, हमें इसके बारे में नहीं पता, बता रहे हैं 5,000 लिया है मैडम। अब ये बताएं कि क्या हम लोग समूह में नहीं आ सकते? नहीं नहीं, समूह में पहले मेरी बात सुनिए, समूह में आइए, मगर ये ऑपरेशन रूम है। नहीं ऑपरेशन रूम तो ये नहीं है, फिर इसमें तुम्हारी जरूरत है, ऑपरेशन के पेशेंट है ये। नहीं अच्छा मैडम, मैडम ये बताएं जैसे यहाँ पे पेशेंट एडमिट है, ठीक है, हम यहाँ पत्रकार जो आएंगे यहीं पे आएंगे। बात सुनिए, नहीं नहीं आप ऐसे नहीं आइए, आप वहाँ ड्यूटी रूम में पहले पूछिए। जी अच्छा, किससे पूछे मैडम? अरे हम लोग बैठे हैं वहाँ, तो मतलब आपके परमिशन के बिना हम अंदर नहीं आ सकते? नहीं नहीं, ऑपरेशन वाले रूम में ये ऑपरेशन के पेशेंट, यहाँ ऑपरेशन होता है ना? नहीं नहीं, ये पेशेंट फ्रीजर वाली है, तो यहाँ पे इन्फेक्शन फैलने का डर ज्यादा रहता है ना। अच्छा मैडम, अगली बार आएंगे तो आपसे पूछेंगे, क्या नाम है आपको मैडम? आप पूछेगा, हम ही नहीं रहते हैं। अरे वहाँ ऑफिस में कोई था ही नहीं, तो किससे पूछेंगे? नाम क्या है अपना? आप आइएगा तो हम बताएंगे। देखिए आप सब देख सकते हैं, मैम नाम लेने से इनकार कर रही हैं। हेलो तो हो सकता है जो ये बता दी जो चीजें ये ना बता दी मुझे, ऐसे कोई बात नहीं। देखिए मेरी बात सुनिए, ना वो मेरी रिश्तेदारी है ना उनको, आप बात ना उनको डांट। अगर हम आपको गलत पाया जाते हैं तो आप इसकी शिकायत करिए, आपके लिए पॉसिबल है। हम जाएंगे, हम आपके ओडी में नहीं घुस सकते, क्योंकि वहाँ ऑपरेशन ओडी में नहीं घुस सकते। हाँ मैं नहीं भैया देख सकते, बात करते हैं, बताइए आपके यहाँ पैसा क्यों लिया जा रहा है? सर जैसा कि आपके जसरा ब्लॉक में अभी जो डिलीवरी रूम है वहाँ पर महिलाओं ने बताया कि उन्हें डिलीवरी के नाम पर 5,000 रुपए लिया गया है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, डिलीवरी में तो 5,000 रुपए नहीं लिया जाता है, वो महिलाएं जो होगी, एक हमारे समय सीजर हुआ होगा उसका, अगर सीजर ने अगर इसे आरोप लगाया तो उसकी जांच की जाएगी, जांच में अगर कार्रवाई अगर दोषी अगर सही पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। सर इसके पहले भी एक आध बार आरोप लगे आलेट को चेतावनी दी जाती है, नहीं सुधार होगा तो कार्रवाई सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भी सरकार पानी दे रही है, बोतल दे रही है, सारी दवाएं फ्री हैं, तो इसमें पैसा लेने कहाँ से बात आ गई? सारी दवाएं प्रोवाइड हम लोग कराते हैं, इंजेक्शन से लेके बॉटल से लेके ड्रिप सेट लेके वेंट प्लान सारी फ्री है उसमें, तो पैसे लेने की बात कहाँ से आ जाएगी? सर आज नहीं लेना चाहिए कायदे से लोगों को, अगर लिए तो जो कार्रवाई होगी फिर लेके, और मरीज हम लिख के लेंगे, हम खुद लेंगे, मरीज का बयान लेंगे। सर ऐसे अभी इन्होंने बताया तो क्या आप मौके पर जाँच करेंगे उसकी? जाकर हम कर लेंगे कार्रवाई करने के लिए, करेंगे हम लिख के पूछेंगे, पहले तो हम लिखित आदेश लिखित करके हम पूछेंगे, फिर हम ले लेंगे। मरीज अगर सीजर हुआ है तो 6 दिन अस्पताल में भर्ती रहेगा, ठीक है ना, उसको मिलेगा उसको, ठीक है ना? आपका सुनना, मैं डॉक्टर करूँ पर अच्छा ठीक है।